संविधान है, ये आपका कुछ पोस्टर हम बता रहे थे, अब उसी में आगे देखिए। अगर जो भी क्रम बनेगा उसको देखिए आप। जो भी बनता है उसको देखिए, इसमें हमने एक जो डिस्ट्रीब्यूशन था डायरेक्ट्रिक सर्कल्स का अलग अलग तरह के, तो उसमें दूसरा जो पैटर्न है उसको आप देखिए, ये कैस्पर की प्लेट्स है और ये हो गया यहाँ पे ए, यहाँ पे हो गया बी, और इसमें दो तरह के सब्सटेंस डायरेक्ट सब्सटेंस दो तरह के इसमें फिलअप किए जाते हैं, एक ये वाला हो गया, ठीक है, और एक दूसरा आधा आधा बांट दिया गया इस तरह से, इसे बांट दिया गया, और ये हो गया P1 और ये हो गया, और इसमें प्लेट्स के बीच की दूरी D है, प्लेट्स का एरिया A है। अब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसको कैसे किया जाएगा, हमने बताया था कि सबसे पहले इसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं, तो मॉडिफाई इस तरह से करेंगे, इसमें दो कैस्टर हम बना लेंगे अलग अलग, जैसे सब्सटेंस अलग अलग है वैसे ही कैस्टर को हम अलग अलग बना लेंगे, और वायर से हम कनेक्ट कर देंगे, ये दोनों सब्सटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, अब उनको अगर वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वाला हमने अलग कर दिया एक सब्सटेंस का, ये वाला अलग हो गया, और ये दूसरा वाला यहाँ आ गया, ठीक है। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये K1 है और ये वाला K2 है, यहाँ पे A है यहाँ पे B है। अब आपको प्लेट्स का एरिया बताना है, इसका एरिया कितना, डिस्टेंस कितना, प्लेटों के बीच की दूरी आधा आधा बढ़ चुका है, ये D/2 ये D/2 ये भी हो गया D/2, लेकिन एरिया भी बता है, या देखो ध्यान से एरिया भी बता है कि एरिया दोनों के लिए सेम है, तो ये हो गया, इसका भी प्लेट का एरिया ही है, इसके लिए भी प्लेट का एरिया ही है। अब इसके कैपेसिटेंस को हम C1 मान लेते हैं, इसके कैपेसिटेंस को हम C2 मान लेते हैं, C1 का मान हम निकालेंगे, आपको पता है C=2 समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/B, ये फार्मूला है। अब अगर C1 अगर हम प्लेट के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो ये बन जाता है, अब इसका बताएंगे C1 का क्या होगा, सब लोग बोलो C1 A/B/2, ठीक है, अब ये बन जाएगा 2 ε₀ A1 A/B, ठीक है। अब C2 की वैल्यू बता दीजिए ε₀ K2 A/B/2, और ये भी क्या बन जाएगा 2 ε₀ A2 A/B, ठीक है ना। अब ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर में जब जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं कि श्रेणी में, कैसे जुड़े बताओ,
टॉयलेट के इधर से ए और बी के बीच की बात हो रही है ना, आपको बताया गया था किस बिंदु के बीच में, किन बिंदुओं के बीच में देखना है। तो ए और बी के बीच में देखना है, करंट आएगी आवेश आएगा तो दोनों से होकर जाएगा ना, एक ही रास्ते पे दोनों है ना, तो कौन सा करंट हो तो स्पष्ट जानिए, कंफ्यूज मत रहो, इतना पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज हो जा रहे हो कभी कभी। तो वन अपान सी इज इक्वल टू वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू। अब देखिए वन अपान सी इज इक्वल टू वन अपान सी वन जब करेंगे तो ये होगा वन अपान टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए वन ए अपान, ये हो जाएगा टी एंड प्लस वन अपान टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के टू ए अपान, ये बन गया टी। अब देखिए वन अपान सी इक्वल टू ये उल्टा हो जाएगा बी अपान टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई वन ए प्लस बी अपान टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के टू ए। अब कुछ कॉमन लिखिए, कॉमन है बी अपान टू एप्सिलॉन नॉट ए बचा है वन अपान कैपिटल ई वन प्लस वन अपान कैपिटल। अब इसको सॉल्व करेंगे वन अपान सी इक्वल टू बी अपान टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए, ये हो गया के वन के टू एल सी एम हो गया और उस पर आ जाएगा के टू प्लस के वन लिखिए या फिर के वन प्लस। अब यहाँ से सी का मान निकालेंगे, अब सी बराबर जब करेंगे तो उल्टा हो गया, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट के अपान बी और टू को हम इसके साथ में जा रहे हैं तो ये हो गया टू के वन के टू अपान के वन प्लस के टू, ठीक है ना। ये है इस संधारित्र की धारिता, इसका ध्यान रखेंगे। कंपटीशन में कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, केवल सीधे सीधे फार्मूला पूछता है, अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ना तो आप कर लेंगे, नहीं पढ़ना ध्यान से तो नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से कर जाइए, देखो ये तीन पार्ट में हमने बांट दिया उसको, एक ए टू है और ए थ्री है। अब इस तरह का क्वेश्चन आए तब क्या होगा, तो पहले हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ा रहे हैं, जो मैंने कल बताया था कि तुल्य परावर्तकान की भी बात करता है, तो तुल्य परावर्तकान का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको आप ध्यान से यहाँ देख लीजिए। अब अगर हम ये मान लें कि जो तुल्य धारिता है वह है एप्सिलॉन नॉट और पूरा एक साथ परावर्तकान को के मान लिया इस वाले केस में, तो एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के बी अपॉन बी हो जाएगा सी का मान, और बराबर हुआ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए बी और बाकी बचा टू ए वन के टू अपॉन ए वन प्लस। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए बी कैंसिल हो गया, फाइनली ए इज इक्वल टू बचा टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू। अब समझ गया, तो जब समांतर में आपको जब इस तरह से आप याद रखिए, मैंने कल बताया था कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो इधर इधर वाला ऐसे, ठीक है,
अब ये वाला के वन है, ये वाला के टू, तो k का मान आया था के वन प्लस के टू अपॉन, अब समझ आ गया, कल पढ़े थे आप इसको उसके पढ़ने वाले क्लास में। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आ रहा है, ऐसे ऐसे पता होगा ये वाला के वन है और ये वाला के टू, ऐसे पता हुआ है, तब तुल्य परावर्तन का मान आया टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस। अब इसके विषय में थोड़ा सा और जानना, इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टू को हम इधर भेज देते हैं तो ये बन गया ए अपॉन टू, और ये हो गया के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, फिर उल्टा कर देते हैं टू अपॉन टू, ये भी उल्टा हो गया ए वन प्लस के टू अपॉन के वन के टू। अब ये काम करेंगे, आप सब बता चुके हैं ना, इधर वाला हम मिटा रहे हैं, फिर देखते हैं, फिर आगे जब इसको बढ़ाएंगे अलग अलग करते हैं तो ये बन जाएगा आपका के वन के टू अपॉन के वन अपॉन के वन के टू, के वन से के वन कट जाएगा, यहाँ से कटे के टू बन जाएगा, इसी तरह से के टू अपॉन के वन के टू, तब के टू से के टू बन जाएगा, एक बटे के वन बन जाएगा, मतलब ये आपका आ गया एक बटे के वन प्लस एक बटे के वन, यह एक सिमेट्री यहाँ मिल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे यहाँ देखिए, अगर तीन पार्ट में बटा हुआ है, तीन बराबर पार्ट में के वन के टू के थ्री बराबर गुणांक है, तो के का मान होगा के वन प्लस के टू प्लस के थ्री अपॉन थ्री, चार पार्ट में होगा तब एन पार्ट में होगा तब एन आ जाएगा। और उसी तरह से इस तरह से हमने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर आप उस सिमेट्री के हिसाब से बता नहीं सकते, यहाँ दो है तो आपको दिखाई पड़ गया, अगर तीन होते तीन पार्ट में बटा होता के वन के टू के थ्री तब क्या होता, यहाँ से फार्मूला आप नहीं बना पाए, लेकिन वहां से बना लेते, दो है तो यहाँ पे दो लिखा होगा, तीन पार्ट में बटा होगा तब तीन बटे के बराबर एक बटे के वन धन एक बटे के टू धन एक बटे के थ्री, चार होगा तब आप आगे समझ लें, तो इसे याद रखिएगा, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें कॉपी पे लिखी नहीं जाती, ठीक है, समझ के उसे आगे बढ़ाना होता है, जब आप सिस्टम को समझ जाएंगे तो आगे कैसा भी सवाल आएगा उसको करते चले जाएंगे, और फिजिक्स के सारे सवालों को एक साथ देख पाना ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैस्ट्रो के जितने सवाल हैं, कोई ये कह दे कि जितने सवाल है सब हमने कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है, क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है फिजिक्स में, इसीलिए कोई टीचर या कोई व्यक्ति अभी तक यही नहीं कह पाया कि हम कुछ जानते हैं, ठीक है ना, जो ये कह दिया कि हम कुछ जानते हैं तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ यहाँ हमने एक सिस्टम बढ़ा दिया, अब आप समझ पा रहे हैं ये कैसे कैसे बढ़ सकता है, देखो पहले हमने ऐसे बांट दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, अब हम क्या करें इसमें ऐसे बांट करने बढ़ जाएगा, तो और सवाल बढ़ गया नहीं बढ़ गया, अब आप कहें कि यहाँ तक हम जान गए सब जान गए, अगले साल ये सवाल दे दिया, एक यहाँ कर दिया एक यहाँ कर दिया, हम दो पार्ट को अब क्या करेंगे, तो फिर आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, अब अगले साल क्या किया यहाँ बांट दिया, अब क्या करोगे बोलो, फिर फंसे कि नहीं फंसे, अगले साल क्या किया ये बांट दिया, फंसते जा रहे नहीं फंसते जा रहे, कहाँ तक बांट सकते हो आप बताओ, जल्दी बताओ, लिमिट है कोई, क्योंकि क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, बस प्रोसेस सीख गए तो उसी क्रम से आप चलते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन होता है, और प्रोसेस नहीं सीखे तो रटने से कुछ नहीं होने वाला, तो यह क्लियर हो गया, तो हमने दो ही तक में बताया, लेकिन अब चार वाला परीक्षा में आ जाए तब, अगर चार पार्ट में बटा हो तब क्या होगा, तो आप अपने से समझ जाएंगे, इस तरह से बटा हुआ है चार पार्ट में तो यहाँ चार आ जाएगा, वन अपॉन के वन धन वन अपॉन के टू धन वन अपॉन के थ्री धन वन अपॉन के फोर, तो समझ में आया नहीं आया ये चीज ध्यान रखना, चलिए अब देखा जाए ये वाला,
प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि अब इसमें का आधार पार इसमें का जो आधा पार्ट है उसका जो परा वैद्युतांक है इसका तो केतु है और इसका क्या है क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और देखते रहेंगे। तो हमारे पास जो मिला है ये देखो क्या है, ये देखो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे, इनको अलग अलग, क्योंकि आपको बताया थे ये अलग अलग हम कर सकते हैं और वायर से जोड़ देंगे, ये दोनों एक ही साथ जुड़े थे ना, तो हम इनको वायर से जोड़ के बात तो बराबर हो गई। और ये पॉइंट यहाँ पर रहा बी, तो यहाँ भी हमने वायर से इसको जोड़ लिया, बस समझे कि नहीं समझे। अब ये देखिए ये वाला हो गया और एक हो गया ये वाला, तब इसमें कितने कैस्टर बन गए, अभी कुल मिला के तीन बन गया। तो आपको मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ये इसमें दो पार्ट बन जाए तो आप समझ गए होंगे क्या करना पड़ेगा। अरे इसमें दो पार्ट बनेंगे, ठीक है, इसमें दो पार्ट बन जाएंगे, तो यहाँ भी दो पार्ट होगा, यहाँ भी दो पार्ट होगा, फिर इसके जगह पर दो अलग अलग हो जाएंगे और कम्बिनेशन पहचान के जोड़ पे चले जाएंगे, बस इतने इतने ही काम है। ये वाला पूरा का पूरा जीवन वाला हो गया, ठीक है। अब हम इसमें जो सब है उसको समझ लिया जाए, ए है, ठीक है, और ये बी है। अब इसको हमने माना है सीमा, ठीक है भाई, और अब इसको हम कुछ नहीं माने अभी तक, क्लियर हो गया। इसको हमने मान लिया सी डैश और इसको माना सी टू और इसको मान लिया सी थ्री, स्पष्ट हो गया ना। इसका परावैद्युतांक एवन है, इसका परावैद्युतांक केतु है, इसका परावैद्युतांक केतु। तो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, बहुत से लोग एलईडी पैनल से इस तरह से बना पाते हैं और हमने बिना एलईडी पैनल का भी बना दिया, ठीक है ना। तो अब देखो, अब C1 का मान निकाल लो, एरिया इसका कितना है, ए है, और ये बताओ बी है। अच्छा चलो, इसका एरिया बताओ, इसका एरिया पहले देखो यहाँ ए था कि नहीं था, तो है ही, अब तो अलग अलग पार्ट भी ऐसे बट गया, प्लेट ही आधा आधा हो गया, तो एरिया कितना, हाँ ये ध्यान रखना, यहाँ ए बाई टू हो गया, इसका एरिया भी ए बाई टू हो गया। अब और जो डिस्टेंस है वह कितना है, अब बताओ C1 की वैल्यू क्या होगी, अब तो फार्मूला याद है ना सबको, एप्सिलॉन नॉट A1 upon D/2। अब ये 2 को चला गया, 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K1 A/D हो गया, ठीक है। अब आइए C2 निकालिए और यहाँ से बोलिए एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 एंड D/2, ये दोनों को कैंसिल हो गया, क्या बचा एप्सिलॉन नॉट K2 A/D, ठीक है। अब इसके बाद C3 बताइए, सब लोग बोलो उसको देख के, एप्सिलॉन नॉट K3 A/2 एंड D/2, फिर कितने आया एप्सिलॉन नॉट K2 A/3। अच्छा ये कितने रहेगा ना, ठीक है भाई। अब हम लोग पहले C' निकालेंगे,
क्योंकि यह दोनों मिलके सीडाइश है, नहीं है? तो सीडाइश का मान कितना है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा ये किस क्रम में है। ये दोनों इससे जो बना है समांतर क्रम में है, इसलिए सीधे सीधे होगा सी टू प्लस थ्री। अब सी टू का जो मान है वो है एप्सिलॉन नॉट कैपिटल पी टू ई अपॉन डी एन प्लस एप्सिलॉन नॉट कैपिटल पी थ्री ई अपॉन डी। फाइनली आपको मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के टू प्लस के थ्री, और ये मान है सी डैश का। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा देखो, अब सी डैश और सी वन किस क्रम में है, और सी डैश जब सी वन मिल गया तो पूरा सी बना कि नहीं बना? तो फिर वही काम, एक बटे सी बराबर एक बटे सी वन प्लस एक बटे सी डैश। अब मान रखा जाएगा एक बटे सी वन, तो सी वन का जो मान है दीजिए उल्टा रखा जाएगा ना, एक बटे होगा तो उल्टा हो जाएगा, सबको क्लियर है कि नहीं है? तो उल्टा ही कर दिया जाए पूरा, तो डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए वन ए एंड प्लस, अब ये सीधा सीधा उल्टा करना पड़ेगा, तो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और नीचे ही है वो क्योंकि यहाँ तो ऊपर है, और यहाँ क्या होगा नीचे ए टू। अब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आप जरा से उतार लीजिए क्या, ठीक है ना, जल्दी से उतारिए क्योंकि अब डिस्टर्ब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, पहले उतार लीजिए घर वाला तब फिर बताएंगे, ठीक है? ये सबसे लास्ट में, लास्ट में वहाँ तक करने के बाद ये करना है, तो बस थोड़ा थोड़ा उतार भी करते रहें। तो कॉमन ले लेते हैं फिलहाल, तो कॉमन होगा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब जो बचा यहाँ बचा वन अपॉन टू ए वन और प्लस वन अपॉन ए टू प्लस ए थ्री, ये बचा तो बताइए, तब आगे का कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं। देखिए तो यहां से आपको मिल रहा है वन अपॉन सी बराबर, अब इसको जोड़ेंगे डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एलसीएम हो गया टू ए वन ए टू प्लस ए थ्री, और इसका गुणा यहां तो के टू प्लस के थ्री होगा, और इसका गुणा यह होगा टू के वन होगा, फिर हम लिखेंगे टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, हो गया ना? और हमें तो चाहिए था सी की वैल्यू, सब उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और बाकी हो गया टू के वन ए वन प्लस के टू अपॉन टू के वन और प्लस ए टू और प्लस ए थ्री। ठीक है ना, और अब इसके पहले जैसा जो प्रोसेस आपको बताया गया उसके हिसाब से ये वाला ही तुल्य परावर्तितांक होता है, याद है ना? तो यही तुल्य परावर्तितांक का मान है टू ए वन इन ब्रैकेट ए वन प्लस ए टू अपॉन टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। समझ में आ गया तो जल्दी से कर लीजिए, और एक अभी हम आपसे फार्मूला पूछेंगे, अगर आप बता देते हैं तो इसका मतलब पैटर्न आपको समझ में आया। डायग्राम बना लिया है ना?
बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अब यह ऐसे कट गया, ये केतु है, ये केपुर है और ये वाला केतरी है। अगर समझ में तो डायरेक्टली इसमें से कोई छात्र सी की वैल्यू बताएगा, सी इज इक्वल टू, अगर आप बता दिए तो मान लिया जाएगा कि आपकी क्षमता आई आई एम की है, इसमें कोई शक नहीं। इसी हिसाब से बताना है, ध्यान दीजिए। अब देखो हम आपको हेल्प कर रहे हैं, पहले ध्यान दीजिए, ऐसे जब बटा था दो पार्ट में केवल के टू, ध्यान दीजिए, तब C की वैल्यू हो रही थी एप्साइलन नॉट, ध्यान दीजिएगा, एप्साइलन नॉट A अपॉन D और ब्रैकेट में क्या था, टू ए वन ए टू अपॉन ए वन प्लस। तो इससे अभी हम पहचान नहीं पाएंगे, हमने वहां बताया, ठीक है। अच्छा अब उसको छोड़िए, यहाँ आइए, यहाँ क्या होगा, यहाँ इसको तीन पार्ट में बांटा गया, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, तो आपका यहाँ पर थ्री हो जाएगा, क्लियर। और लिखेंगे कैसे, देखो इन ब्रैकेट ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, थ्री के वन एंड प्लस के टू प्लस के थ्री, एक और है ना, एक के टू के थ्री के फोर तीन, तो के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, टू ही रहेगा तीन रहेगा, सर अब ऐसा कैसे हुआ, अब देखिए सिमेट्री में आई, जब ये के वन था ये के टू था, तो फार्मूला आपका था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और टू ए वन के टू अपॉन ए वन प्लस के टू, यही था ना। तो हमने किया क्या है, के टू के जगह पर ध्यान दीजिए, के टू के जगह पर हो गया है के टू के थ्री के फोर। जब के टू के जगह पर के टू के थ्री हुआ था, तब आपने देखा, देखो के टू के थ्री ये दोनों को मिलाकर अगर हम के डैश मान लें, ये पूरा का पूरा के डैश है, तो फिर से एक कंडीशन बना कि नहीं बना, एक के वन और एक के डैश, तब हुआ कितना, टू के वन के डैश, ठीक है, टू के वन के डैश अपॉन टू, यहाँ देखो अपान के वन प्लस के डैश, ठीक है, यहाँ बढ़ेगा यहाँ बढ़ेगा यहाँ पर ऐसे ही जाएगा। तो अब देखो क्या हो रहा, तो अब जब के डैश का मान हम लिखेंगे तो के डैश के जगह पर क्या है, के वन प्लस के टू, तो सही किया गया, के डैश की जगह पर क्या है, के वन प्लस के टू। यहाँ पे के डैश की जगह पर क्या, इस पूर्वी को हमने के डैश मान लिया, तो के डैश की जगह पर क्या है, प्लस इसी तरह से होंगे, आप ऐसे ही बनाते जाएंगे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसे अपने से करना है, ठीक है ना, ट्राई करना है, नहीं आगे तो बताया जाएगा। देखिए ये हमने बना लिया कैपिटल के प्लेट ए और बी, और इसका बंटवारा हम ऐसे कर रहे हैं, देखो ठीक है, इसका बंटवारा इस तरह, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये वाला हो गया, ठीक है, और ए वाला हो गया ए वन, और ये हो गया ए टू, और ये हो गया प्लेट का एरिया ए है, और यह जो डिस्टेंस है पूरा का पूरा,
समझ पा रहे हैं? ट्राई करेंगे, ट्राई करिए, आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो बताएंगे ही, बाकी फिर कर देते।